माय नेम इज सुरजित एंड आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल। आज इस वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूँ वर्ल्ड लार्जेस्ट मैनग्रोव सुंदरवन की 3 days 2 night टूर प्लान के बारे में। ऐसे तो देखा जाए मेरे चैनल में ऑलरेडी सुंदरवन की फुल सीरीज अपलोडेड है। इस टूर प्लान वीडियो को देखने के बाद आप एक बार मेरा सुंदरवन ट्रिप की वीडियोस देख लेना, तो आपको और भी अच्छे से आइडिया मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं सुंदरवन आप कैसे पहुंचेंगे, हाउ टू रीच सुंदरवन। बट इससे पहले भी एक इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों को पता होना चाहिए, सुंदरवन ट्रिप अगर आप सोलो करते हो या फिर ग्रुप में करते हो, दोनों ही केस में आपको टूर एजेंट की जरूरत पड़ेगा, क्योंकि सुंदरवन के अंदर घूमने के लिए आपको बोट और शिप की जरूरत है। तो अगर आप सोलो है तो इट्स नॉट पॉसिबल टू बुक ए 5-8 बोट फॉर ट्रिप, इट विल बी सो एक्सपेंसिव। और अगर आप ग्रुप में टूर कर रहे हो और 5-8 बोट भी बुक कर लिया है, तब भी आपको टूर एजेंट की जरूरत पड़ेगा फूड्स के लिए। तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, इस वीडियो की लास्ट तक जाते जाते आपको सब पता चल जाएगा कितना खर्चा आएगा सोलो ट्रिप, ग्रुप ट्रिप, फूड्स का, होटल्स का, एवरीथिंग। सो आप जस्ट इस वीडियो को पूरा देख लीजिए विदाउट स्किप। सो लेट स्टार्ट अगेन, हाउ टू रीच सुंदरबन। बेसिकली सुंदरबन वेस्ट बंगाल में है और नियरेस्ट सिटी है कोलकाता। तो सुंदरबन जाने के लिए आपको सबसे पहले आना होगा द सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। आप कोलकाता बाय ट्रेन, बाय बस, बाय फ्लाइट किसी भी तरीके से आ सकते हैं। अगर आप ट्रेन में आते हो तो कोलकाता आने के लिए आपके पास 2 स्टेशन है, नंबर 1 हावड़ा स्टेशन, नंबर 2 सियालदा स्टेशन। एंड कोलकाता पहुंचने के बाद भी सुंदरबन जाने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, नंबर 1 ट्रेन एंड 2 बस। बाय ट्रेन सुंदरबन जाने के लिए आपको आना होगा सियालदा स्टेशन, बिकॉज हावड़ा स्टेशन से सुंदरबन की तरफ कोई ट्रेन नहीं चलता है। अगर आपकी होम लोकेशन से सियालदा तक कोई डायरेक्ट ट्रेन ना मिले तो आप हावड़ा स्टेशन पहुंच के भी इजीली 20 मिनट्स के अंदर सियालदा जा सकते हैं बाय बस और कैब। बस का फेयर लगता है अराउंड 11 रुपीज पर पर्सन एंड कैब का अराउंड 150 रुपीज। आप उबेर, ओला या फिर टैक्सी यूज कर सकते हैं। सियालदा स्टेशन पहुंचने के बाद आपको लेना होगा लोकल ट्रेन कैनिंग स्टेशन के लिए, जो सुंदरबन की नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है। इस रूट पर आपको कोई एक्सप्रेस ट्रेन नहीं मिलेगा, सियालदा स्टेशन के टिकट काउंटर से ही सियालदा टू कैनिंग के लिए टिकट खरीदना होगा। टिकट पर अराउंड 30 रुपीज लगता है। हर एक घंटे में सियालदा टू कैनिंग लोकल चलती है, अराउंड 1.5 आवर लगता है कैनिंग स्टेशन पहुंचने के लिए। एंड कैनिंग से आपका सुंदरबन ट्रिप शुरू होगा टूर एजेंट के साथ। यही है ट्रेन का प्रोसेस। सेकेंड ऑप्शन है बस। बाय बस सुंदरबन जाने के लिए आपको आना होगा कोलकाता की धर्मतला बस स्टैंड, जिसे इस प्लेनेट बस स्टैंड भी कहते हैं। हावड़ा स्टेशन एंड सियालदा स्टेशन दोनों ही प्लेस से आपको बस और कैब इजीली मिल जाएगा धर्मतला बस स्टैंड के लिए। धर्मतला से कैनिंग का बस भी चलता है, फेयर लगता है 50 रुपीज पर पर्सन, अराउंड 2 आवर्स लगता है। अगर आप अपने होम लोकेशन से बाय फ्लाइट कोलकाता पहुंचे हो तो आप ट्रेन और बस किसी भी तरीके से सुंदरबन जा सकते हैं। बट आपको ट्रेन के लिए कैब और बस पकड़ के आना होगा सियालदा स्टेशन एंड फॉर बस के लिए सेम कैब और बस पकड़ के आना होगा धर्मतला बस स्टॉपेज, देन आप कैनिंग के लिए जा सकते हैं। अभी बात करते हैं 3 days 2 night के डे वाइज प्लान के बारे में। लेट्स स्टार्ट विद day 1। day 1 में आपको सुबह की 10 बजे के अंदर पहुंचना होगा कैनिंग रेलवे स्टेशन। कैनिंग पहुंच के आप अपने प्री बुक टूर एजेंट को कॉल कर लीजिए। टूर एजेंट आपको कैनिंग से बाय ऑटो लेकर जाएगा सोनाखाली। टाइम लगेगा 40 मिनट्स। देन सोनाखाली से शुरू होगा आपकी असली सुंदरबन ट्रिप की जर्नी बोट पर। बोट पर पहुंचते ही आपको टिफिन और ब्रेकफास्ट सर्व किया जाएगा, देन बोट स्टार्ट होगा। अराउंड 1.5 आवर के बाद आप पहुंचेंगे गोसावा, जहां पर आप 2 साइट सीन करने वाले हैं। नंबर 1 हैमिल्टन बंगलो। गोसावा में आप 2 बंगलो देख पाएंगे। अभी जो बंगलो देख रहे हैं इसी का ही नाम है हैमिल्टन बंगलो। सर डैनियल हैमिल्टन इंग्लैंड से फर्स्ट इस प्लेस में आए थे और इसी बंगलो में रहता था, इसीलिए इस बंगलो का नाम है हैमिल्टन बंगलो। एंड यहाँ के लोकल पीपल इनको ही सृष्टिकर्ता मानते हैं इस प्लेस का। इसके बाद आप पहुंचेंगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन बैकॉन बंगलो। 1932 में रविंद्रनाथ टैगोर इस बंगलो में एक दिन के लिए रुका था। कहते हैं सर डैनियल हैमिल्टन रविंद्रनाथ टैगोर को गोसावा में लाया था।
क्योंकि उन दिनों यहाँ पर कोई नहीं रहता था और रविंद्रनाथ टैगोर एक ग्रेटेस्ट राइटर था। तो सर हैमिल्टन रविंद्रनाथ टैगोर को गोसावा में लाया था इस प्लेस की पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए। इसके बाद आप वापस बोट पर आ जाएंगे एंड आपको लंच सर्व किया जाएगा। फूड्स में आपको क्या क्या मिलेगा वीडियो की लास्ट तक आपको सब पता चल जाएगा। लंच खत्म होने के बाद बोट फिर से स्टार्ट होगा एंड आपको लेके जाएगा फाखीरालॉय, जहां पर सुंदरवन की सारे कॉटेज रिसोर्ट्स बना हुआ है नाइट स्टे के लिए। गोसाबा से फाखीरालॉय जाने में लगभग 3 से 4 घंटा लग जाता है। पानी में कुछ देर बोट चलने के बाद ही आपको बोट से राइट साइड सुंदरबन की घना जंगल देखना स्टार्ट हो जाएगा एंड सुंदरबन की खूबसूरत नजारे का मजा लेते हुए आप पहुंच जाएंगे फाखीरालॉय। फाखीरालॉय पहुंचते ही टूर एजेंट आपको लेके जाएगा आपकी प्री बुक्ड रिसोर्ट पर, जिसे टूर एजेंट आपके लिए बुक करके रखा होगा। मुझे जो रिसोर्ट मिला था उसका नाम था आपोनजन रिसोर्ट। बहुत खास तो रूम नहीं मिला था लेकिन चलने लायक था। एक चीज याद रखिए, आप जब आएंगे आपको भी यही रिसोर्ट मिलेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। सीजन के अनुसार आप जब आएंगे फाखीरालॉय में जो रिसोर्ट खाली रहेगा टूर एजेंट आपको वहीं पर लेके जाएगा। इसके बाद आपको शाम में चाय और टिफिन दिया जाएगा एंड आप यहाँ की लोकल मार्केट घूम के कुछ खरीद भी सकते हैं। देन रात को डिनर के साथ साथ आपका डे 1 खत्म होगा। डे टू में सुबह सुबह आपको सबसे पहले मिलेगा बेट्टी। देन फ्रेश होकर 9 बजे के अंदर आपको जाना होगा बोट पर। बोट पर जाते ही मिल जाएगा ब्रेकफास्ट, देन स्टार्ट होगा बोट फास्ट साइट सीन प्लेस जाने के लिए। अराउंड 1 घंटे के बाद आप पहुंच जाएंगे फास्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन सोजनेखाली। आज हम लोग सबसे पहला जो साइट सीन करना है वो है सोजनेखाली, ठीक है। ये मेरे पीछे है गेट, इसके अंदर जाना पड़ता है और पहले से इसका परमिट किया हुआ है हम लोगों के लिए। और ये पूरा सुंदरबन इलाका है, घना जंगल है, कोर एरिया। तो चलते हैं इसके अंदर। बेसिकली सोजनेखाली में आप देख पाएंगे कुछ एनिमल्स एंड वैरायटीज टाइप ऑफ ट्रीज एंड आपको मिलेगा एक गवर्नमेंट की तरफ से टूर गाइड और यहाँ पर एक वॉच टावर है जहां से जंगल का वाइट रेंज व्यू भी देख पाएंगे। सो अभी हम लोग आ चुके हैं सोजनेखाली वॉच टावर। वॉच टावर से जंगल का वाइट रेंज व्यू मिलेगा। मैं ऊपर जा रहा हूँ, ठीक है, और आप लोगों को भी दिखाता हूँ। ओ भाई, व्यू यहाँ से अमेजिंग लग रहा है भाई, जंगल का मजा ऐसे दिखाई दे रहा है। सोचने खाली देखने के बाद बोट फिर से स्टार्ट होगा एंड धीरे धीरे कोर जंगल के अंदर से जाते हुए आप पहुंच जाएंगे नेक्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन दोबा की। सो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं दोबा की। यहाँ पर जंगल के अंदर 1 किलोमीटर तक पैदल चल सकते हैं, ठीक है। ये रहा दोबाकी का गेट, दोबाकी कैंप। दोबाकी कैंप में सबसे बेस्ट बात यह है जंगल के अंदर कैनोपी वॉक बना हुआ है। आप लगभग 1 किलोमीटर तक जंगल के अंदर वॉक करके जा सकते हैं और एक वॉच टावर भी बना है जहां से पूरा जंगल का व्यूज देख पाएंगे और लाख अच्छा रहा तो कुछ एनिमल्स भी देख पाएंगे लाइक टाइगर्स डियर्स, बिकॉज यहाँ एक मीठा पानी का तालाब बना हुआ है जो गवर्नमेंट ने बना के रखा है एनिमल्स के लिए। इसके बाद आप बोट पर वापस आ जाएंगे एंड आपको लंच सर्व किया जाएगा। लंच करते करते आप पहुंच जाएंगे द पंच मुखानी पॉइंट, जिसे मोहना भी कहते हैं, जहाँ पर 5 नदी एक साथ मिल रहा है। सो ये क्या प्लेस है भैया? 5 नदियों का संगम है। अच्छा, ये विद्याधरी, ये विद्याधरी, ये सीधा वाला साइड में गाजीखाली, गाजीखाली सीधा चौड़ा विद्या, चौड़ा विद्या, इधर में हेड़ोभंगा, हेड़ोभंगा बाद में लेफ्ट साइड में, अच्छा मातला, मातला, मातला एंड बे ऑफ बंगाल का स्टार्टिंग पॉइंट जाने का पद है ये। अच्छा, सो ये 5 नदी का मिलन स्थान है मोहना। मोहना
मोहना देखने के बाद आप वापस आएंगे पाखीरला की तरफ। आते आते लगभग शाम हो जाएगा एंड शाम के टाइम का नजारा बहुत ही ब्यूटीफुल रहता है पाखीरला की घाट से। एक चीज याद रखिए, इस दिन आपको एक और जगह भी विजिट करना है जिसका नाम है सोधरनखाली। मैं नहीं जा पाया था क्योंकि उस टाइम कोरोना के वजह से बंद था। सो पाखीरला में रिसोर्ट वापस आने के बाद इस दिन आपका शाम बेकार नहीं जाएगा क्योंकि टूर एजेंट आपके लिए सुंदरवन की कल्चरल प्रोग्राम रखेगा। कल्चरल प्रोग्राम खत्म होने के बाद डिनर के साथ साथ आपका डे टू खत्म हो जाएगा। डे थ्री आपका सुंदरबन ट्रिप की लास्ट डे है। इस दिन आप रात को ट्रेन में या फिर घर पहुंच जाएंगे। डे थ्री में आपको सुबह सुबह उठकर फ्रेश होकर 6 बजे के अंदर निकलना होगा चिड़िया की जंगल देखने के लिए, जिसे बंगाली में फाखिर जंगल कहते हैं। फाखिर जंगल वाला ट्रिप ज्यादातर टूर एजेंट इंक्लूड नहीं रखता है टूर पैकेज में। मैं मेरा टूर एजेंट सौरभता के साथ बात करके सियार में नाव लेके गया था पाखीर जंगल की ट्रिप पर। सच कहूं पूरी ट्रिप में सबसे बेस्ट मोमेंट मेरा यही था क्योंकि यहां पर जाके आपको बहुत सारे चिड़िया की साउंड सुनाई देगा, जंगल को एकदम पास से फील कर पाएंगे एंड चारों तरफ पेड़ में क्रैब देख पाएंगे। इट वॉज अ ब्यूटिफुल मोमेंट फॉर मी। मुझे सिर्फ एक्स्ट्रा 100 रुपीज देना पड़ा था इस ट्रिप के लिए। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आपके ट्रिप में जैसे भी करके ये वाला ट्रिप मस्ट भी इंक्लूड करना। अगर टूर पैकेज में ना मिले तो सैर पर भी अगर ऑप्शन मिले तो प्लीज चले जाना। अभी हम लोग एकदम जंगल के अंदर आ गए हैं, देख रहे हैं पेड़ पेड़ और चारों तरफ क्रैप लगा हुआ है पेड़ के ऊपर। ओह हो भाई, अभी फील आ गया, मजा आ गया भाई। मारो मुझे मारो भाई, ये वाला फीलिंग सब लोग को लेना है, ठीक है। इसके बाद आप वापस आएंगे रिसोर्ट पर। 9 बजे के अंदर रिसोर्ट से सारे सामान लेके आपको निकलना होगा बोट के लिए। बोट पर पहुंचते ही आपको ब्रेकफास्ट दिया जाएगा एंड बोट स्टार्ट होगा झोड़खाली म्यूजियम और पार्क जाने के लिए, जहां पर आप टाइगर, क्रोकोडाइल और भी बहुत सारे एनिमल्स देख पाएंगे। मेरा लक खराब था, मैं जब गया था उस टाइम झोड़खाली बंद था कोरोना के वजह से, बट आप जब जाएंगे आशा करता हूँ खुला रहेगा। झड़खाली बंद था इसलिए टूर एजेंट मेरा ट्रिप में मुझे एक दूसरा जगह लेके गया था। कहाँ लेके गया था और सारे इन्फॉर्मेशन और भी अच्छे से समझने के लिए आप एक बार मेरा सुंदरवन सीरीज प्लीज देख लेना। सो झड़खाली देखने के बाद बोट स्टार्ट होगा वापस सोनाखाली आने के लिए एंड आते आते रास्ते में आपको लंच सर्व किया जाएगा। देन सोनाखाली पहुंच के सेम ऑटो करके आपको कैनिंग पहुंचा दिया जाएगा। कैनिंग से लोकल ट्रेन पकड़ के सियालदा आ जाइए, फिर अपने घर के लिए ट्रेन और फ्लाइट पकड़ लीजिए। याद रखिए, घर जाने के लिए ट्रेन और फ्लाइट आपको रात के 8 बजे के बाद ही बुक करके रखना होगा। अभी बात करते हैं फूड्स के बारे में। फूड्स में आपको पूरी ट्रिप में कोई दिक्कत नहीं आएगा। सुबह शुरू होगा बेट टी से, देन ब्रेकफास्ट में आपको पूरी कचौरी ये सब मिल जाएगा। मिडिल में दोपहर की 12 बजे का टाइम रहता है कुछ स्नैक्स लाइक यहाँ की स्पेशल आमुदी फ्रिश फ्राई, आलू पकौड़ा विथ चाय। देन लंच में आपको मिलेगा प्रॉन, क्रैब और भी बहुत सारे मछलियां। शाम से पहले मिलता है कुछ फ्रूट्स एंड इवनिंग में रहता है चाउमीन, मैगी एटसेट्रा। रात को आपको डिनर में चिकन और मटन मिल जाएगा। कुछ ऐसा ही आपको फूड्स मिलेगा इस ट्रिप पर। अभी बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट के बारे में जो मेरे हिसाब से आप लोगों को पता होना चाहिए। नंबर 1, एकोमोडेशन। इस ट्रिप में आपको 2 टाइप्स का एकोमोडेशन मिलेगा। आप बोट पर नाइट स्टे कर सकते हैं और रिसोर्ट पर भी नाइट स्टे कर सकते हैं। लेडीज के लिए मैं 100% रिकमेंड करता हूँ रिसोर्ट वाला ऑप्शन। बोट पर रहना एंड रिसोर्ट पर रहना दोनों ही केस में अलग रेट होता है, मैं बजट सेशन में इसके बारे में बताऊंगा। सेकंड है बोट क्वालिटी। ट्रिप पर जाने से पहले ही आप अपने टूर एजेंट से अच्छे से बात कर लीजिए आपका बोट कैसा है, जरूरत पड़े तो पिक्चर्स भी व्हाट्सएप में शेयर कर लीजिए क्योंकि अगर आप रात को बोट पर स्टे करने का सोच रहे हैं तो बोट पर मोबाइल चार्जिंग, फैंस एंड बाथरूम टाइप सब पहले से पता कर लीजिए। नंबर 3, टूर आइटिनरीज एंड फूड डिटेल्स। ट्रिप पर जाने से पहले मस्ट बी टूर एजेंट के पास से आप 3 डेज का फुल आइटिनरीज मतलब आप कहाँ कहाँ घूमने वाले हैं सारे डिटेल्स पता कर लीजिए। ऑल्सो फूड्स में भी आपको क्या क्या मिलेगा उसका भी कम्प्लीट लिस्ट
उनके पास से ले लीजिए। बात करते हैं अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स, बजट। अगर आप सोलो हो एंड कैनिंग टू कैनिंग टूर पैकेज बुक कर रहे हो, बोट पर स्टे कर रहे हो, तब आपका खर्चा आएगा 2800 रुपए, सब कुछ मिला के, खाना पीना रहना सब कुछ मिला के। नेक्स्ट, अगर आप सोलो हो एंड कैनिंग टू कैनिंग टूर पैकेज बुक करते हो रिसोर्ट पे रहने वाले हो, तब आपका खर्चा आएगा अराउंड 4000 रुपीज। नेक्स्ट, कैनिंग टू कैनिंग टूर पैकेज बुक के हो, दो जन हो या फिर ग्रुप पीपल हो, तो आपका खाना पीना मिला के सब कुछ खर्चा आएगा 3600 रुपीज पर पर्सन। नेक्स्ट, अगर आप सोलो हो, कोलकाता टू कोलकाता टूर पैकेज बुक कर रहे हो रिसोर्ट स्टे के लिए, तब आपका खर्चा आएगा 4200 रुपीज। सेम टू सेम, अगर आप कोलकाता टू कोलकाता टूर पैकेज बुक कर रहे हो रिसोर्ट स्टे के लिए एंड टू और मोर पीपल्स हो, मतलब ग्रुप वालों के लिए, 3800 पर पर्सन पड़ेगा। एंड एकदम लास्ट में, अगर आप ग्रुप में आ रहे हो और 10 से 15 जन हो, तब आपको रिसोर्ट स्टे में सब कुछ मिला के खर्चा आएगा 4000 पर पर्सन। इसमें आप प्राइवेट बोट भी बुक कर सकते हैं। टूर एजेंट का सारे डिटेल्स मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, आप कॉल कर लीजिए डायरेक्ट एंड अच्छे से सब कुछ इन्फॉर्मेशन ले लीजिए उनके पास से। तो यही था मेरा 3 days 2 nights का सुंदरबन की टूर प्लान। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सेफ रहिए, अपने परिवार के साथ मजे बनाइए, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर देना। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।